मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल से आचार्य इतिहास से गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से मैंने आज फर्स्ट पेपर लिया है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। इसका शीर्षक मैंने चुना है वैदिक धर्म। अब वैदिक धर्म को समझने से पहले हम चर्चा करते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या है? भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म को प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है, या यूँ कहें कि धर्म भारतीय संस्कृति की आत्मा रहा है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो धर्म शब्द दह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अवलंबन देना, पालन करना, लेकिन यह इसका धातुगत अर्थ है। निरुक्त में धर्म शब्द का अर्थ नियम बताया गया है। प्राचीन ऋषियों ने नियम की भी विशद विवेचना करते हुए बताया है कि किन नियमों के अनुसार चलने से मानव को इस लोक में सुख मिलता है और किस नियम ने इस लोक को धारण कर रखा है। इसके अतिरिक्त भारतीय धर्म ग्रंथों विद्वानों व पाश्चात्य विद्वानों ने भी धर्म को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। महाभारत में धारण करने वाले को धर्म कहा गया है। वैशेषिक दर्शन में धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती है। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ में सकल धार्मिक कर्तव्य ही धर्म है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार धर्म की शक्ति अनेक जीवन की शक्ति है। धर्म से व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है। धर्म वह है जो लोक कल्याण करता है। वाल्मीकि के अनुसार संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार धर्म मनुष्य के आचरण और व्यवहार की संहिता है। धर्म ही मनुष्य के कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करता है तथा उसके स्वस्थ एवं उज्ज्वल जीवन जीने का कार्य प्रशस्त करता है। पीवी काणे के अनुसार धर्म जीवन का मूल आधार है। इसी से मनुष्य को प्रेरणा व प्रकाश मिलता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि व प्रगति में सहायक होता है। पूर्व मीमांसा के सूत्र में जैमिनी ने धर्म का संबंध उन क्रिया संस्कारों से बताया है जिससे आनंद मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एवं प्रशंसित है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म वह है जो मनुष्य को इस संसार परलोक में आनंद की खोज के लिए प्रेरित करता है। धर्म कर्म पर प्रस्थापित है। धर्म मानव को रात दिन इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करवाता है। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म शाब्दिक दृष्टि से वह है जो किसी वस्तु को धारण किए होता है, उसे वह जो कुछ है बनाता है, उसे टूटने और किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित होने से बचाता है। इसका प्रमुख कार्य, इसका विशिष्ट लक्षण, इसका मौलिक गुण, इसकी अनिवार्य प्रकृति इसका धर्म है। प्रमुखतया उसके प्राणी होने का नियम है। राजा भर्तृहरि के अनुसार धर्म ही मानव को पशु से अलग करता है। भोजन, भय और मैथुन ये प्रवृत्तियाँ तो मानव और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु धर्म मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति है। धर्म से विहीन मनुष्य पशुओं के समान है। गोखले के अनुसार एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का वह सिद्धांत है जो समस्त नैतिक कार्यों को प्रतिबिंबित तथा नियमित करता है। दूसरे अर्थ में धर्म कर्तव्यों का संग्रह है। पाश्चात्य विद्वान जीमर के अनुसार धर्म आचरण की एक संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रूप में और व्यक्ति के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता है और अंत में चरम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। अर्थात आचरणगत नियमों का संग्रह ही धर्म है। विटगेंस्टन के अनुसार धर्म विश्ववासियों के संपूर्ण आचरण को अनुप्रमाणित करता है। गिलिन एंड गिलिन के अनुसार एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तु एवं प्रतीकों को धर्म के समाज शासित क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि धर्म एक व्यापक शब्द है और भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का आधार शाश्वत सत्य और जो कुछ श्रेष्ठ है उसकी आदर्श अभिव्यक्ति है। जिस नियम ने इस लोक या
संसार का उदाहरण कर रखा है वही धर्म है। क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है। धर्म ही वह मानदंड है जो विश्व को धारण करता है। किसी भी वस्तु का वह मूल तत्व है जिसके कारण वह वस्तु है। धर्म का तात्पर्य धारण करने से, बनाए रखने से है, जिससे सभी बने रहें, संयमित रहें, वही धर्म है। धर्म और स्मृति में विवृत है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म आचरण की वह संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता हुआ अंत में चरम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य और व्यवहारों को संवर्धित करता है तथा वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। धर्म को करता हुआ मनुष्य इस लोक में यश को प्राप्त करता है और मरकर परलोक में उत्तम सुख या मोक्ष को प्राप्त होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमारी संस्कृति में वेदों को ही पवित्र धर्म का मूल स्रोत माना है। इससे कि आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ये दबा दो ना, ये लाल वाला ही वापस। हाँ।